स्टूडेंट्स, हमारा नमस्ते आपके लिए। एक्चुअली अब मैं आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बताने वाला था, लेकिन जब मैंने सोचा तब मुझे लगा कि स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि कंप्यूटर को आखिर मेन मेमोरी यानी रैम और सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क पेन ड्राइव क्यों ज़रूरी है। क्योंकि 1935 या 1945 से पहले भी कंप्यूटर थे, लेकिन वो अलग मॉडल यानी उनका अलग डिज़ाइन या आर्किटेक्चर था। साल 1943-45 के करीब एक महान साइंटिस्ट जिनका नाम है जॉन वॉन न्यूमन, उन्होंने कंप्यूटर का मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में एक प्रपोजल दिया कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है उनके ये सारे कंपोनेंट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इन कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला कहा कि उसने कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी प्रोसेसिंग यूनिट होना ज़रूरी है, जिसमें दो मुख्य विभाग होंगे। एक होगा कंट्रोल यूनिट और दूसरा होगा अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ताकि ये मैथमेटिकल ऑपरेशन करे और ये लॉजिकल ऑपरेशन करे। और इनके साथ थोड़ा बहुत ही सीपीयू के अंदर भी छोटा सा मेमोरी हो, जिसे हम कहते हैं सीपीयू रजिस्टर्स यानी सीपीयू मेमोरी। तो ये बहुत ही छोटे होते हैं। समझ लीजिए, अगर आप अपना नाम सेव करना चाहते हैं तो शायद आप 4 या 5 नाम ही सीपीयू मेमोरी में एक टाइम सेव कर सकते, इतना छोटा मेमोरी होता है। उसके आगे उन्होंने कहा कि कंट्रोल यूनिट होना चाहिए, और कंट्रोल यूनिट में दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। एक है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और दूसरा होगा प्रोग्राम काउंटर। मैं दोनों चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। अगर आप देखोगे कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम एक सीक्वेंस यानी एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। तो कंप्यूटर एक इंस्ट्रक्शन से शुरू करके अगला इंस्ट्रक्शन पे चला जाके उसे एग्जीक्यूट यानी प्रोसेस करते चला जाता है। तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, अभी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है वो इस कंट्रोल यूनिट के इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आएगा। कंट्रोल यूनिट उस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग इंटरप्रेट करेगा यानी मीनिंग फाइंड आउट करेगा, और उसके बाद वो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट यानी प्रोसेस करेगा। समझ लीजिए, अगर इंस्ट्रक्शन था डिवाइड ए बाय बी, तब कंट्रोल यूनिट ए और बी को लेके डिवीजन करके अगला स्टेप पे चला जाता। अभी प्रोग्राम काउंटर क्या है, प्रोग्राम काउंटर काफ़ी सिंपल चीज़ है। अगर आपने कुछ कोड लिखे, ठीक है, तो मैं कोड तो नहीं बता रहा, तो ये कोड है आपका, ठीक है, ये लाइन नंबर 3, 4, 5 ऐसे चलते जाए, समझ लीजिए लाइन नंबर 10,000 है आपका कोड। आपको पता होना ज़रूरी है कि आपका प्रोग्राम, या सीपीयू को पता होना ज़रूरी है कि आपका प्रोग्राम इस टाइम पे किस इंस्ट्रक्शन पे है। तो समझ लीजिए ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 10,000 है। तो अभी समझ लीजिए कंप्यूटर प्रोग्राम या इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, इस इंस्ट्रक्शन का मेमोरी में एड्रेस क्या है या लोकेशन क्या है ये स्टोर करेगा। इसीलिए इसे प्रोग्राम काउंटर कहते हैं। प्रोग्राम काउंटर यानी करंट इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर रही है उसका एड्रेस उसके पास होगा। अगला चीज़, वॉन न्यूमन ने कहा कि एक मेन मेमोरी होगा, और उस मेन मेमोरी होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी उस मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस और डेटा इसमें स्टोर हो जाएंगे जो अभी प्रोग्राम करंटली कंप्यूटर रन कर रहा है। तो समझ लीजिए अगर कंप्यूटर एडिशन प्रोग्राम रन कर रहा है तो एडिशन प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस और डेटा इस मेमोरी यूनिट में होंगे। एक एक करके इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट उन्हें ले लेगा, उनको समझ लेगा कि इंस्ट्रक्शन क्या है, एग्जीक्यूट करके उनका आउटपुट देगा। तो ये मेन मेमोरी को रैम भी कहते हैं, और इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं मैं अगले सेशन में आपको बताऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस या डेटा
अभी मेन मेमोरी में नहीं है, यानी जो प्रोग्राम अभी रन नहीं हो रहे उन्हें आप कहीं सेव करना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने कहा कि आप एक सेकेंडरी मेमोरी, जिसे हम हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव जैसे एग्जांपल से, उन्हें आप यूज़ करना चाहिए। फाइनली कंप्यूटर को कुछ इनपुट देने के लिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस। ये बड़ा माहिर मॉडल है और इसे कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम मॉडल ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर ऑल्सो। इसे स्टोर्ड प्रोग्राम मॉडल क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस मेमोरी यूनिट में इंस्ट्रक्शंस और डेटा जो अभी सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है या चला रहा है इसमें होते हैं। तो अभी ये जो मेन मेमोरी है ये रीड राइट मेमोरी है, यानी इसमें लिखा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। इसका मेमोरी का विशेषता ये है कि आप किसी इंस्ट्रक्शन पे तुरंत जा सकते हैं, आपको सीक्वेंस में आना ज़रूरी नहीं है। मैं अभी बताता हूँ सीक्वेंस और रैंडम एक्सेस क्या है। समझ लीजिए 1, 2, 3, 4 अप टिल 10,000 है, कुछ डेटा है, समझ लीजिए 10,000 लोगों का नाम है। अगर 9,000 लोकेशन पे किसी का नाम है राजू, मुझे इसे ढूंढना है। अगर राजू को ढूंढना है तो मैं पहले नाम से शुरू करके चेक करते जाऊंगा जब तक मुझे नाम राजू ना मिले। जब तक राजू मिलेगा तब मैं कहूंगा नाम फाउंड या नहीं मिला। तो क्योंकि मैं हर नाम को चेक करके राजू तक पहुंच रहा हूं, इसलिए इसे मैं सीक्वेंशियल एक्सेस कह रहा हूं। अगर मैं कोई मैजिकल तरीके से, वो बताऊंगा आगे कैसे, सीधा मैं राजू की तरफ चला जाता तब इसे रैंडम एक्सेस कहते हैं। मतलब मैं सीधा उसी डेटा के पास चला जाता हूँ जो मुझे तुरंत चाहिए। तो इसलिए ये था मॉडल ऑफ अ मॉडर्न डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बाय जॉन वॉन न्यूमन। ऑल्दो इसका क्रेडिट जाता है जॉन वॉन न्यूमन को, लेकिन इससे पहले एक पीएचडी स्टूडेंट जो महान महान कंप्यूटर साइंटिस्ट है था, जिनका नाम है एलन ट्यूरिंग, उन्होंने 1937 में इस मॉडल को प्रपोज किया था। बस लेकिन वॉन न्यूमन भाई साहब ने ज़्यादा पॉपुलराइज किया, इसलिए इनके नाम पे ये मॉडल आइडेंटिफाई किया जाता है। लेकिन इसका कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी एलन ट्यूरिंग का भी है और वो ओरिजिनल थिंकर या ओरिजिनल ऑथर उसे आप मान सकते हैं।